नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने परिवार ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, कल आप जानते हैं कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कंफ्यूज हो रहे थे कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल हम पढ़ें, कौन सा स्टडी मटेरियल हम परचेज करें, कहाँ से परचेज करना है, कौन सा बैच हम पढ़ें जो बेस्ट हो 60 डे में, जो कि हम खत्म कर सकें और बेस्ट प्रिपरेशन हो सके और हम अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छा बना सकें। तो आज ये वीडियो इसी पर होने वाली है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है आपके लिए एसएससी जेई के लिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बैच अगर परचेज करना है तो कौन सा बैच परचेज करना है जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है एसएससी जेई के लिए। और विद्यार्थियों, इसमें बहुत सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको एक एक बात क्लियरली आपको समझ में आ जाए क्या क्या हमें करना है एसएससी जेई को टारगेट करते हुए। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को और सेशन में वन बाई वन चीजों को समझेंगे कि बेस्ट स्टडी मटेरियल और आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा होने वाला है। चलिए विद्यार्थियों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर एसएससी जेई 2024। अब इतनी सारी किताबें अगर हमारे कमरे में या फिर हमारे स्टडी रूम में इकट्ठी हो जाएं तो कंफ्यूजन बन जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेस्ट बुक, बेस्ट स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ एक बेस्ट कोर्स को मैं सजेस्ट करूंगा आपको। चलिए अगर हम बात करें बेटा, ये आप देख पा रहे हैं केदार पब्लिकेशन की ये बुक है जो कि आपके पास में पावर्ड बाय ईएडी ऑनलाइन क्लासेस। तो आप देख पा रहे हैं केदार पब्लिकेशन की काफी डिमांडिंग बुक है ये। तो इसमें 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, सॉल्यूशन बहुत शानदार है, बहुत डिटेल में है, हर एक ऑब्जेक्टिव को समझाया गया है। अगर आप देखेंगे कि इसका क्या इसके फीचर्स हैं, तो फीचर्स की बात करेंगे, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर है ये, डीपली कवरेज ऑफ द एवरी सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर एडेड जैसे पीएलसी, स्काडा, मैटलैब। ऐसा नहीं है कि आपके पास में ये किताब ले ली तो एसएससी जेई के लिए, आप इसको प्रॉपर हर एग्जाम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन एसएससी जेई के बिहाफ पर इसमें बहुत सारे सवाल जो है एसएससी जेई से लिए गए हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे एमसीक्यू हैं बेटा जो कि आपके पास में आने वाले एग्जाम्स में हो सकते हैं कि रिपीट कर जाए विदाउट डाटा और विद डाटा। अगर हम बात करें अगली, तो आपके पास में इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड अदर सेंट्रल स्टेट जेई। अगर हम बात करें तो ये बुक आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये इस बुक को आप कहां से परचेज कर सकते हैं, तो बेटा ये बुक आप कहां से परचेज कर सकते हैं, तो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी वेबसाइट edbooks.in से या फिर kedarpublication.com से आप जाके क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आपकी बुक में, तो आप ये नंबर जो है इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर किताब दिखा दीजिएगा कैसी है, क्या उसमें कितनी मोटी है और क्या उसकी लैंग्वेज होने वाली है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना चाह रहे हैं। ये बुक आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, जब आप इसको लेंगे, जब आपके हाथ में आएगी तो आपको फील बहुत अच्छा आएगा। तो ये बुक होगी ये बेटा पूरा का पूरा आपके पास में, ये जो किताब है कुछ इस तरीके की होगी और ये पूरी बुक बेटा इंग्लिश में है, ठीक है, ये पूरी बुक इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, कंफ्यूजन मैं पहले दूर कर दूं। ये बुक पूरा सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे, डिटेलिंग है सॉल्यूशन के नीचे, हर क्वेश्चन के नीचे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। चलिए बच्चों, तो इसको आप परचेज कर सकते हो एसएससी जेई के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सर ठीक है ये बुक और इसका प्राइस जो है बेटा 449 है, यानी कि 449 रुपये है। आप इसको अभी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो आप ऑनलाइन, और आप अगर आप इलाहाबाद और देहरादून के नज़दीक हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से आके भी इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए अगर स्टडी मटेरियल में और हम एक चीज़ देखें तो और क्या हमारे साथ में शानदार होने वाला है, तो केदार पब्लिकेशन की एक और पेशकश है आपके साथ में बेटा। ये प्रेजेंट है आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैंड रिटन नोट्स है पूरे के पूरे, जो भी क्लासरूम में पढ़ाया गया उनको एक जगह समेट कर बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है नोट्स के रूप में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपके पास में यूपीपीसीएल हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं बेटा। ये पूरी तरीके से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरी तरीके से हिंदी में है बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी में नोट्स, तो हिंदी में पूरी तरीके से हिंदी में नोट्स है बेटा। इसके 4 पार्ट हैं पूरे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4। आपके पास में ये चारों पार्ट आपके पास में एक साथ में आप जब परचेज करेंगे तो आपको एक इंडिविजुअल पार्ट नहीं मिलेगा, आपको एक साथ में चारों पार्ट मिलेंगे।
इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं सर? इसको भी आप ईएडी ऑनलाइन क्लासेस या फिर केदार पब्लिकेशन से आप क्या कर सकते हो इसको बेटा, आप इसको परचेज कर सकते हो आसानी से। इसका प्राइस जो है 1100 रुपये मात्र है, क्योंकि इसमें एक नहीं ऐसे चार पार्ट होंगे। एक पार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास में पार्ट वन है अभी फिलहाल में, ये बेटा आप देख पा रहे होंगे पार्ट वन है। जैसे ही आप इसको एंटर खोलोगे तो आपके पास में पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल सिलेबस दे रखा है, सारी चीजें दे रखी हैं, और ये यहाँ पर भाग वन में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं आप देख पा रहे होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम और पावर प्लांट इंजीनियरिंग। बेटा ये सारे सब्जेक्ट आपको ये तीनों सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे पार्ट वन में। ऐसे ही आपके पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर में सारे सब्जेक्ट है। ये देखो बेहतरीन तरीके से सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो आप इसको वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं, आप नजदीकी बुक स्टोर से भी आप जाइएगा, पूछिएगा उनसे, अगर उनके पास होंगे तो वो आपको दे देंगे, अगर नहीं होंगे तो उनसे कह दीजिएगा कि ये मंगा के दे दीजिएगा, वो आपको मंगा के दे देंगे। और यदि आप इलाहाबाद या फिर आप देहरादून के आसपास कहीं रह रहे हैं तो आप आसानी से ऑफलाइन सेंटर्स पर विजिट कर ले सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास में दो बेस्ट आपके थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का एक बेहतरीन बंडल हो गया कि आप 7000 प्लस एमसीक्यू और आपके पास में बेटा नोट्स दोनों का एक बेहतरीन आपका सामान एक बेहतरीन बंडल बनेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस उस बुक से कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन बंडल बनेगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोर्स कौन सा बेस्ट कोर्स रहने वाला है हमारे लिए। तो बेटा ये अभी के सिनेरियो में 60 दिन के एवज में कुछ क्लासेस की निकल चुकी हैं, क्योंकि ये अभी से जस्ट एक महीने पहले हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। तो ये कोर्स जो है आपके पास में बेस्ट कोर्स होने वाला है, जिन विद्यार्थियों ने जो पुराने बच्चे हैं जो किसी कारणवश 2-4-10 नंबर से रह गए थे, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है वही इस बैच को परचेज करें। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम अगर तैयारी कर रहा है तो वो इस बैच को ना ले, क्योंकि बेटा इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी प्लस आपके पास में एमसीक्यू का इसका कंसेप्ट इस बैच का, इसमें डिटेलिंग नहीं होगी, इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। इसीलिए अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए आपके पास फाउंडेशन बहुत सारे बैचेस हैं, इलेक्ट्रिकल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो SSC JEE इंग्लिश, और अगर हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो SSC JEE हिंदी फाउंडेशन बैच अवेलेबल हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हो। अगर हम बात करें कि सर इसमें कौन कौन पढ़ाने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, तो एक ही बार में मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ इसमें। तो देखिएगा बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जानते होंगे ये हैं आपके पास में आरके रमन सर, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या ही है, बीटेक एमटेक बस ये तो लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, शानदार, कोई दिक्कत है नहीं। आप बहुत दिनों से सर से जुड़े हुए हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को जानते हैं, 13 साल का इनका एक्सपीरियंस है सर का। तो सर जो है इस कोर्स में बेटा मशीन को हैंडल करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन सर जो है यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन को हैंडल करने वाले हैं। आप जब पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। इस कोर्स की खास बात यह है, इस जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन अगर सर आपको पढ़ाएंगे तो पहले सबसे पहले आपको थ्योरी प्लस PYQ प्लस आपके पास में MCQ। अब ये आप कहेंगे सर MCQs क्यों? MCQs इसलिए बेटा कुछ हम लोग खुद से डिजाइन, जो भी फैकल्टी यहाँ पढ़ाएगी, जो भी सब्जेक्ट आपका डील करेगी, वो खुद से डिजाइन करके कुछ 150 MCQ आपको देंगे। हो सकता है अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो रिपीट भी हो सकते हैं। चलिए तो ये आपके पास में पहले अध्यापक आपको इंट्रोड्यूस कराया मैंने कि इसमें कौन क्या पढ़ाने वाले हैं, तो रमन सर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी रमन सर के द्वारा। अगला हरी सर हैं ये, हरी कृष्ण सर। अगर हम बात करें तो ये सर जो है आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग एक्सपर्ट आप देखेंगे, काफ़ी बड़ा टीचिंग कैरियर रहा है इनका भी, तो 13 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है रीजनिंग के लिए, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आप हरी सर यहाँ पर डील करने वाले हैं, यहाँ पर भी यही कंसेप्ट रहने वाला है, आपके MCQ प्लस PYQ और साथ ही साथ जैसे आपके पास में कैलेंडर है, घड़ी है, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, आपके पास में स्लॉम्स है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि भूल जाते हैं बार बार, जिनमें ट्रिक्स होती है, वो सब आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे और उनके साथ में MCQ। चलिए आगे चलते हैं, इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये आप मुझे जानते ही होंगे। तो इसमें मैं जो डील करने वाला हूँ बेटा,
इसमें आप देखेंगे कि पावर सिस्टम में स्पेसिफिक चीजें हैं, ट्रांसमिशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लस आपका एसजीपी। मैं इतनी चीजें इसमें कवर करने वाला हूं और बेहतरीन वे में मैं आप देखेंगे जब आप कोर्स परचेज करेंगे, जब इसकी दूसरी तीसरी क्लास आप जाएंगे, पहली क्लास में इंट्रोडक्शन मिलेगा शानदार तरीके से, दूसरी तीसरी क्लास में आपको देखेंगे कि मैं दो या तीन स्लाइड ही पढ़ाता हूं लेकिन उसमें आपके 10 से 15 टॉपिक को मैं कवर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखते हैं, डिटेलिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखेंगे। साथ ही साथ इसमें जैसे ही ट्रांसमिशन खत्म होगा तो इसमें मैं पी वाई क्यू प्लस आपके एमसीक्यू मैं इसमें कराने वाला हूं, ठीक है। साथ ही साथ बेटा इस बैच में बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि बी डब्ल्यू ई भी मेरे द्वारा रहने वाली है। तो अभी बी डब्ल्यू मैंने स्टार्ट नहीं की, इसका काफी बड़ा वेटेज होता है 40 नंबर का बेटा, कम से कम 30 से 40 नंबर का इसका वेटेज होता है। तो इसको बहुत तसल्ली से और बहुत आराम से पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे इसको भी। इसकी जितनी भी थ्योरी होगी पूरी आपको थ्योरी बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट इसमें भी बात करेंगे, साथ ही किस तरीके से शॉर्टकट्स लगने हैं सवालों में वो सब कुछ बताऊंगा मैं। आपके पास में पूरा लेटेस्ट जो एग्जाम का पैटर्न होगा 2023-24 में, वही पैटर्न के थ्रू हम लोग चलने वाले हैं इस बैच में। तो ये आपके पास में फैकल्टी नंबर 2-3। फैकल्टी नंबर 4 आप देखेंगे इस बैच में कि चंद्रमा यादव सर आपको इसमें डील करने वाले हैं बेटा मेजरमेंट, इनका भी काफी बड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, सर भी आपको मेजरमेंट पढ़ाएंगे। मेजरमेंट का भी बड़ा रोल होता है, ये लगभग 5 से 10 नंबर की पूछी जाती है। तो सर के द्वारा मेजरमेंट कुछ क्लासें आपकी निकल चुकी हैं जो कि आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ेंगे तो भगन सर हैं, भगन सर यहाँ पर आपको पावर प्लांट प्लस यूईई प्लस आपके पास में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ाने वाले हैं, साथ में टेंडरिंग। आपके पास में ये सारे सब्जेक्ट जो है वो भगन सर के द्वारा कवर कराए जाएंगे बाकायदा बेहतरीन वे में। अब आगे बढ़ेंगे, बड़ा ही कमजोर जो पहलू होता है एसएससी जेई में टेक्निकल विद्यार्थियों का, बहुत कमजोर पहलू होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीके जीएस। तो बेटा जीके जीएस में टेंशन नहीं लेनी है, नीरज सर एंड टीम, यहाँ पर पूरी टीम है 5-7 लोगों की। आप देखेंगे नीरज सर यहाँ पर आपको डील कराएंगे, साथ में क्वालिटी और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और साथ ही साथ टीम के द्वारा आपको इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, आपकी हिस्ट्री, आपके आपकी थोड़ी बहुत करंट रिलेटेड इशूज वो सब कुछ सर यहाँ पर आपको कवर कराने वाले हैं। इनका भी पैटर्न यही रहने वाला है बेटा, पी वाई क्यू प्लस एमसीक्यू, यही आपका पैटर्न इसमें भी होगा, साथ ही साथ पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी भी होगी। आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से आपका ये चलने वाला है। तो ये था हमारे क्रैश कोर्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। तो ये एक बेस्ट चीज हो सकती है आपके लिए बेटा, अगर आप इच्छा रखते हैं एसएससी जेई में क्वालिफाई करने की कि मैं एक अच्छी नौकरी करूं, एक सेंट्रल में एक जेई बनूं, एक बड़े पद पर मैं चयनित हूं और हम लोगों का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, तो आप इस बैच को प्लस इस स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं हमारे साथ में। फिलहाल अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ लूंगा। अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है फॉर्म से रिलेटेड तो वो भी हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया।